हमारे डोडा के इतने बच्चे यहाँ पर नेशनल परफॉर्म करेंगे, वो भी जम्मू कश्मीर को ढक्कू में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमारे डोडा का फोक है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे डिप्टी कमिश्नर सर का, हमारे DYSSO जफर हैदर शेख सर का, फिर यहाँ पर जितने भी हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर के DYSSO हैं, फिर हमारे जो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, सबका शुक्रिया करना चाहूँगी जिनकी वजह से बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिला कि वो नेशनल लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। मैं आपके माध्यम से अपने डिप्टी कमिश्नर डोडा जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट जब हमने वहाँ किया, अपने 10 जोनों से हमारे जो बच्चे आए तो उनमें निकल के हमारे ये टीम एक जो फोक डांस और अपना एलोकेशन था और कथक जो हमारा था क्लासिकल डांस में हमारे बच्चे निकले उसमें, और इसमें यू सर्विस डिपार्टमेंट जो हमारे DYSSO जाफर हैदर शेख साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने ये कदम उठाया कि इन बच्चों को जमा किया जाए, दूर दूर के इलाकों से बच्चे आए और उनमें से चुन चुन कर हमने ये एक टीम यहाँ तक हम जब डोडा से निकले, और पहले हमने एक सफ़र डोडा से ये किया, उसका दूसरा सफ़र हमारा था जम्मू में, वहाँ पर भी हमें बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ 20 डिस्ट्रिक्टों के साथ मुकाबला हुआ हमारा फोक डांस में, और उसमें भी हमने अपनी जीत हासिल की, और अब तीसरा पड़ाव जो हम जम्मू से यहाँ तक पहुँचे, और इन बच्चों ने मुझे बहुत बड़ा साथ दिया और सभी ने मिल के तभी जाके ये मुमकिन हुआ कि हम यहाँ कुछ कर सकें। कि मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, तमाम लोग सुन रहे पाजू पंडे, मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी और नेशनल लेवल पर रंग लाएगी सराजी मेरी। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम चाहूँगा और सराजी लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तू नहीं जाना, तू कहीं मुझे घूमनी हो जाना, वहां पर मतलब इतना रश था। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं द अर्बन रिपोर्ट्स और द लोकल रिपोर्ट पे ये वीडियो, और ये वीडियो खास है क्योंकि डोडा से कर्नाटका का सफ़र जो है वो कैसा रहा, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से जो जम्मू कश्मीर को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर नेशनल यूथ फेस्टिवल के अंदर। ये बच्चे आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक पल है, और ऐतिहासिक पल इसलिए क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट से दूर दराज इलाकों से आए हुए, उन पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए बच्चे हैं जो कभी कर्नाटका की ओर शायद ही आते, लेकिन इस नेशनल यूथ फेस्टिवल में
इस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की वजह से, जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की वजह से, डोडा के यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की वजह से, वहाँ के ऑफिसर्स की वजह से ये जो है संभव हो पाया है। आज ये पहाड़ के बच्चे जो है कर्नाटका के अंदर जो है गर्म हवाओं का मज़ा जो है ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में बर्फ़ है और पूरे माउंटेंस जो है वो बर्फ़ की चादरों से भरे पड़े हैं। और इन बच्चों से बातचीत करेंगे कि डोडा से कर्नाटका का सफ़र जो है वो कैसा रहा। चलिए बातचीत करेंगे। देखिए छोटी सी नन्ही सी लड़की है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गोरिया। मीनाक्षी गोरिया, मीनाक्षी गोरिया, आप किस में यहाँ पर आए और डोडा से कर्नाटका का सफ़र जो है वो कैसा रहा, बताइए ज़रा। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो आप सफ़र की बात कर रहे हैं, तो सफ़र तो हमारा डोडा से शुरू हुआ था, आज हम यहाँ पर नेशनल तक पहुँचे, बहुत खुशी हो रही है। डोडा में सबसे पहले हमारा जोनल लेवल का कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि डिफरेंट जोन से बच्चे आए थे, उन्होंने कम्पीट किया जोन्स के साथ, जोन्स के बाद उसके बाद सिलेक्शन हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब हुई तो उसमें जोन्स के बच्चों ने कम्पीट किया और वहाँ से जितने बच्चे सिलेक्ट हुए वो आगे जाकर यूटी लेवल पर परफॉर्म करना है जम्मू। जम्मू में जब वहां से बच्चों की सिलेक्शन हुई तो आप देख ही सकते हैं ये कितने बच्चे हैं और कितना उत्साह। मैं बोलती हूँ ढक्कू का नाम पूरे नेशनल, पूरे हिंदुस्तान में छा रहा है। आज हमारे डोडा के इतने बच्चे यहाँ पर नेशनल परफॉर्म करेंगे, वो भी जम्मू कश्मीर को ढक्कू में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारे डोडा का फोक है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे डिप्टी कमिश्नर सर का, हमारे DYSSO जफर हैदर शेख सर का, फिर यहाँ पर जितने भी हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर के DYSSO हैं, फिर हमारे जो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, सबका शुक्रिया करना चाहूंगी, जिनकी वजह से बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिला कि वो नेशनल लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, अपना जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर कर पाए। और फिर उसके अलावा जो इतने सारे बच्चे हैं ये अपना फोक सॉन्ग, फोक डांस लेकर जो है डोडा का फोक डांस जो है यहाँ पर नेशनल लेवल पर करेंगे। और मेरी सिलेक्शन हुई है क्लासिकल डांस और एलोकेशन में। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जम्मू कश्मीर को इन दो चीज़ों में रिप्रेजेंट करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूं। और यहाँ पर जितने भी इतने जो आसपास आप सारे हो, आप बहुत मेहनत करते हो, इतनी प्रैक्टिस करते, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो ढक्कू है वो नेशनल पर भी छा जाए। जितने ये मेहनत कर रहे हैं, जितनी सादगी इसमें है, जितनी परफेक्शन है, वो यहाँ पर लोग अच्छे से देख पाए और हमारे डोडा का नाम, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम पूरे हिंदुस्तान में अच्छे से एक्सप्लोर। आप यहाँ तक कैसे आए, क्योंकि छोटे से हैं आप, और कैसे आपको यहाँ तक पहुँचाया, किसने पहुँचाया, कैसी केयर मिल रही है आपको कर्नाटका के अंदर, या जम्मू से यहाँ तक कैसे पहुँचे, ट्रेन का सफ़र, सब चीज़ों का सफ़र? हम तो सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली डोडा से जम्मू तो बस में आए थे। उसके बाद जब सिलेक्शन हुई तो मैं, उन्होंने सबसे पहले मेरी बर्थ ईयर पूछा था, तो मैंने बोला था 2006, वो बोलते ये जा सकती है। तो उसके बाद वहाँ से हम डोडा से कर्नाटका ट्रेन में आए, बहुत मज़ा किया, दो दिन मज़ा किया। फिर मतलब कि ऐसा भी हुआ कि मतलब हम ट्रेन में, फिर हमें ऐसे जब ट्रेन से उतरे ना, फिर लड़कियों को चक्कर आने लगे, कोई यहाँ गिरने लगी, कोई वहाँ गिरने लगी, फिर हम चढ़े बस में और वहाँ पर हवा चलने लगी, वेंटिलेशन, फिर हमें थोड़ी ठंडक मिली और हम थोड़े झाग गए। तो बहुत केयर की, मतलब आप जितने भी मेरे भैया वगैरह हो, यहाँ पे राज भैया है, आप हो, जफर सर हो, जफर सर ने हमारी इतनी हेल्प की है, मैं क्या बोलूँ। फिर अंजुम सर तो बहुत हेल्प करते हैं। अंजुम सर ऐसे पकड़ के उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। अंजुम सर ने, जफर सर ने बहुत प्यार दिया है। लेकिन हमारे साथ दो तीन हादसे भी हुए, जफर सर का फोन चोरी हो गया, स्माइली दीदी का फोन चोरी हो गया, इस बात का बहुत दुख है हमें। और हमारे साथ एक हमारी छोटी सी, मेरी जितनी हाइट में एक मैडम है, बहुत अच्छी है मैम, वो भी हमारा मतलब साथ देती है। मैम बोलती मैम को टेंशन रहती कहीं गुम ना जाए, मतलब कि आप जब गए थे मार्च पास में, गई थी लड़कियां सारी और मैं खाली, ये जम्मू की खाली मैं मतलब लड़की थी, तो मैम को मेरे को समझ, मैम ऐसे पकड़ के, ओ नहीं तू नहीं जाना, तू कहीं मुझे गुम नहीं हो जाना। वहां पर मतलब इतना रश था खाना खाने पे, मैम ने वो प्लेट ऊपर से किए, तो लाओ भत्तू डालो, तो मेरे को लेके, तो तू खा, हम चलते हैं इनको दिखाने। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी केयर मिली। ये इतने भैया, यहाँ पे डैनी भैया है, यहाँ पे सनी भैया है, यहाँ पे सुमित भैया है, राज भैया, सुंदर भैया, आप हो सारे, ये दीदियां, और ये दीदियां हमारी, सिमरन दीदी इनकी तरफ कैमरा कीजिए जरा, मैं इनकी बात बताती हूँ आपको, इन्होंने इतना हमें किया है, मतलब कि आप लड़कों की मैं बात करूँ, आप हमेशा लेट हो जाते हो, लेकिन सिमरन दीदी 5 बजे नहीं, उठो, रजाइयाँ फेंक के, तो उठो, तो लड़कियाँ 7 बजे तक तैयार, और हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी लेट नहीं हुए। सिमरन दीदी के लिए तालियां। देख सकते हैं कलेक्टिवली जो है यहाँ पर किस तरीके से बच्चों ने जो है, और जो है मीनाक्षी ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहानी जो है सुनाई। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है और मैं डोडा से हूँ। कर्नाटका तक का सफर, क्या डिफरेंस, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है, तो कैसे यहाँ पर मैनेज कर रहे हो?
हम क्लाइमेट में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ पर सर्दी और यहाँ पर गर्मी, हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमने इतनी गर्मी तो वहाँ जून जुलाई में होती है, तो यहाँ पर हमें बहुत गर्मी देखनी पड़ रही है, थोड़े पसीने आ रहे हैं, पर फिर भी हम सब इतना इंजॉय कर रहे हैं इसमें, हम अपनी प्रैक्टिस दे रहे हैं, हमें पसीने आ रहे हैं, बट फिर भी हम इस चीज़ को इस मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। मैं बता दूँ कि यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर JD जो है जो जम्मू कश्मीर के थे, वो भी कदमों के साथ कदम जो है बच्चों के साथ मिलाए हुए हैं। जब जो है मोदी जी आए थे और मोदी जी हुबली में आए थे तो वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू देख रहा था कि बच्चों के साथ में एक ऑफिसर बिल्कुल साथ खड़ा था, और बाकी तो ऑफिसर्स हैं ही जिनकी ड्यूटी लगी है, जैसे जाफर सर है, अंजम सर है, मैम है, या बाकी और भी लोग जो हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए ऑफिशल्स हैं जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के, वो तो हैं, लेकिन एक बड़ा ऑफिसर जो है बच्चों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला कर रखना, JD सर है, वो जो है कश्मीर के है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बच्चों की केयर की है, वो खुद जो है एक जो है ऑफिशियल्स की तरह बच्चों के साथ खड़े रहते, वो भी कहना इंपॉर्टेंट था इसलिए वो कह दिया। बाकी ऑफिशियल से भी बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि जफरुल्ला सर है, जफरुल्ला सर कंटिन्यू जो है हमेशा से चाहते हैं, आपने पहले भी देखा कि पहले भी ये हमेशा चिंता करते हैं कि हमारा सराज, हमारी लैंग्वेज जो है आगे बढ़े, लेकिन जो है कॉस्ट्यूम्स होता है हर चीज़, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने किसी जो है कल्चर को प्रमोट करना है तो उस कल्चर की जो है कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, उस कल्चर में आपको जो है पकड़, उस लैंग्वेज में पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो जफरुल्ला सर जो है जानते हैं और वो चीज़ें जो है वो इन्होंने की है। चलिए इनसे बात करते हैं। जफरुल्ला सर आपका स्वागत है, क्या कुछ कहोगे, डोडा और कर्नाटका का सफ़र ये कैसे तय हुआ और क्या कुछ कहोगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने डिप्टी कमिश्नर डोडा, जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट जब हमने वहाँ किया, अपने 10 जोनों से हमारे जो बच्चे आए तो उनमें निकल के हमारे ये टीम, एक जो फोक डांस और अपना एलोकेशन था और कथक जो हमारा था क्लासिकल डांस, उसमें हमारे बच्चे निकले उसमें, और इसमें यूथ सर्विस डिपार्टमेंट जो हमारे DYSSO जाफर हैदर शेख साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने ये कदम उठाया कि इन बच्चों को जमा किया जाए, दूर दूर के इलाकों से बच्चे आए और उनमें से चुन चुन कर हमने ये एक टीम यहाँ तक हम जब डोडा से निकले, और पहले हमने एक सफ़र डोडा से ये किया, उसका दूसरा सफ़र हमारा था जम्मू में, वहाँ पर भी हमें बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ 20 डिस्ट्रिक्टों के साथ मुकाबला हुआ हमारा फोक डांस में, और उसमें भी हमने अपनी जीत हासिल की, और अब तीसरा पड़ाव जो हम जम्मू से यहाँ तक पहुँचे, और इन बच्चों ने मुझे बहुत बड़ा साथ दिया और सभी ने मिल के तभी जाके ये मुमकिन हुआ कि हम यहाँ कुछ कर सकें, और अभी मेहनत बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं अभी भी, ये अभी मतलब आज इतने दिनों से रिहर्सल चल रही है, ट्रेन के दौरान ज़रा बच्चों को तकलीफ हुई क्योंकि जो बच्चे पहली बार ट्रेन में आ गए, लेकिन इसमें भी मैं फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर का शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसा मौका इन बच्चों को मिला जिन्होंने पहले कभी ट्रेन देखी नहीं है और वो ट्रेन का सफ़र किया, उसके बाद कर्नाटका, ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि हम कर्नाटका आ जाएं इन बच्चों को लेकर, इसमें भी उनका बड़ा बड़ा साथ रहा, और डिप्टी कमिश्नर डोडा का साथ ये रहा कि उन्होंने जब ये डांस देखा, उन्होंने उस वक्त कहा कि इसको हमने 26 जनवरी में भी शायद हम उस वक्त पहुंच जाएंगे डोडा, और हम इसको वहाँ फिर दोबारा करेंगे जो हमने यहाँ किया, और लेकिन उन्होंने उस वक्त सराहा था इस हमारे फोक सॉन्ग को, जो हमारा ट्रेडिशनल सराजी जो फोक डांस है हमारा, ये ट्रेडिशनल, और मैं भी अभी भी चाहता हूँ, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहूँगा अपने सराज इलाके से, अपने इस डोडा में जो सराज बसने वाले लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बोली को ना छोड़ें, अपनी इस ट्रेडिशनल जबान को ना छोड़ें, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को ना छोड़ें, और फ़ख्र महसूस करें कि हम सराज में हैं और सराजी बोलते हैं, और यहाँ का सफ़र यहाँ तक अभी तक हमको साथ रहा है, अब इसके बाद में हम भगवान पर छोड़ते हैं, अल्लाह पर छोड़ते हैं कि इसके आगे हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें या कॉस्ट्यूम की बात करें तो हमारे पास उस तरीके का कॉस्ट्यूम नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनली थे, लेकिन फिर भी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने, जैसे कि आपसे मेरी बात हुई तो आपने कहा कि हमने खुद से जो है अपने जेब से पैसे डाल के जो है ये बच्चों के लिए किया है, लेकिन आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एक पैकेज मिलना चाहिए जिससे हमारे जो है जो कमियाँ हमारी ट्रेडिशन जो है डांस में, क्योंकि हम हमेशा सेलेक्ट तो हो जाते, यहाँ तक आते, हमेशा जो है नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करते, लेकिन वो जो कपड़े हमारे पास होने चाहिए, जो वो ट्रेडिशनल ड्रेस होने चाहिए, वो नहीं है। देखिए,
आपने ठीक बोला आपने कि हम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट ऑफिसर जाफर हैदर शेख ने कोशिश की, उसके पास जितना था उसने हमको दिया, थोड़ा बहुत करके हमने किसी न किसी ये ड्रेस हमने तैयार किया, लेकिन फिर भी ये अभी कंप्लीट नहीं है। आपके कहने के मुताबिक बिल्कुल कंप्लीट नहीं है हमारा जो सराजी जो ड्रेस है। अब हम यहाँ से पूरी टीम, जो भी हमारी टीम है, हर बार हम जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास भी जाते हैं और डीसी साहब के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जो अगले बार के लिए कमी आपकी पूरी कर देंगे, लेकिन अभी तक वो कमी रहेगी। तो आज हम इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि इस बार हम यहाँ से जाकर डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम हमारे लिए ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमारी मदद करें, ताकि हम एक पूरा ड्रेस बनाकर कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम यहाँ आते हैं नेशनल में हम जाते हैं तो हमको चाहिए, हमको ड्रेस पूरा चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह और मेहनत करेंगे और अच्छा लगेगा उस डिपार्टमेंट को भी और हमको भी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जो कमियां जो हैं वो भी पूरी हो। अगली बार यही डीसी डोडा से भी जो है इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की जो कमियां हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो जो कमी है बच्चों के अंदर, उसको पूरा करने की एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर उनको जो है कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कोशिश कर रहा है कि वहाँ का जो कल्चर है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाए, लेकिन वो तभी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जीत तभी हासिल कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर भी हम तभी नाम बना सकते हैं जब हमारे पास कॉस्ट्यूम जो है पूरा होगा, कमी बिल्कुल नहीं होगी, तो तभी जो है टक्कर बाकी स्टेट्स को हम दे सकते हैं। और अभी भी हम विदाउट ड्रेसेस, विदाउट नॉट दैट ट्रेडिशनल ड्रेस, बट हम फिर भी टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं और यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर खड़े होकर जो है टक्कर देने के लिए जो है जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि सर के साथ बातचीत हो रही थी तो सर ने जो है सारी बातों के ऊपर बताया और कमी का बताया कि कमी जो है पूरी होगी, और इस बार अगर हम पोजिशन लेकर आएंगे तो ज़रूर धूम मचाएंगे। आपको मैं बताऊँ कि डोडा से जो है कर्नाटका का सफ़र पहले जोनल लेवल शुरू होता है, जोनल लेवल से हम सेलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेलेक्ट होकर हम स्टेट लेवल के लिए आते हैं, और तीनों जगहों को जो हमने पार किया, और उसके बाद अब कर्नाटका का ये पड़ाव, आखिरी पड़ाव जो है वो जीत कर जो है, उम्मीद है कि जीत कर वापस जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट जाएगा और यहाँ से जो है खुशियाँ जो लेकर जाएंगे। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जो DYSSO है जाफर अहमद शेख सर, कंटिन्यू जो है मुझे कॉल करते हैं, बच्चों के बारे में जो है पूछते हैं कि बच्चे कैसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ख्याल रखना आप, कंटिन्यू मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और जाफर अहमद शेख सर कुछ ही समय पहले भी अभी कॉल करके बता रहे थे कि कैसा है, क्या कर रहे हो, मुझे अपने फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर, तो उनको बहुत चिंता रहती है अपने जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम यहाँ से जीत कर जाएंगे तो उनका जो कद है, उनका उनकी जो खुशी है, वो खुशी तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे, उनकी बातों को भी आप तक पहुँचाएँगे। बाकी डीसी सर जो है, डीसी सर भी कंटिन्यू हमारी वीडियोज़ देखते होंगे उम्मीद करता हूँ, और जो बातें हम उनको कह रहे हैं, जो बातें रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो है सराजी जो कमी जो कमियाँ हैं जहाँ जहाँ वो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन करे, ताकि हम और ऊपर लेवल पे हमारी ये टीम पूरी जो क्योंकि बहुत मेहनत करती है, लड़के लड़कियाँ जो बहुत मेहनत करते हैं वो आए। और जो JD सर, मैंने कहा आपको कि डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर, तो जम्मू से ही हमें विदा किया था, उसके बाद कंटिन्यू JD सर की हमारे साथ ड्यूटी है, जैसे वो कंटिन्यू हमारे साथ में रहते हैं, और उनके व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, इतने बड़ी पोस्ट पर है लेकिन फिर भी बिल्कुल घमंड नहीं, हमारे साथ में रहते हैं और हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर जो है हमारे साथ खड़े हैं, और ज़रूर इन सभी लोगों का साथ और इन बच्चों की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आप भी मुझे बताइए कि क्या ये डोडा से कर्नाटका का सफ़र आपको कैसा लगा, और बच्चों की बातें आपको कैसी लगी, और क्या लगता है आपको कि क्या हमारी मेहनत जो है वो नेशनल लेवल पर रंग लाएगी या नहीं। बेस्ट विशेज ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त, किसी और खबर के साथ, किसी और तस्वीर के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय सराज, जय सराजी।